गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका आपके यूट्यूब चैनल मेक लाइफ हैप्पी विद संगीता में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मेथी दाने का मास्क या पैक शेयर करना चाहूँगी। आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं इस पैक को, थोड़ी मात्रा में बनाइएगा, आपको लगे कि बेनिफिशियल है, देन आप लार्ज अमाउंट में बनाइएगा। मैं यूज़र हूँ इसलिए मैंने मेथी दाना जो है वो लार्ज क्वांटिटी में लिया है। प्रोसेस आप देखते रहिए और क्वालिटी में बता रही हूँ। पहले हमने मेथी दाना सोक क्यों किया, हमें मेथी दाना भिगोने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस क्यों का आंसर ये है कि जो मेथी दाना होता है ये माना जाता है या ये पाया गया है आयुर्वेद के अनुसार कि ये हॉट फूड यानी कि गर्म, इसका तासीर जो होता है वो गर्म होता है, इसलिए हम इसे भिगो देते हैं ताकि इसका जो हीट होता है, इसकी जो गर्मी है मेथी दाने की वो रिड्यूस हो जाए, और भिगोने से इसकी जो क्वालिटी है यानी इसकी जो गुण है वो और उभर के आए। और अगर आप इसे अंकुरित कर रहे हैं तब इसके जो गुण होते हैं वो दो गुने हो जाते हैं, यानी हीट रिड्यूस करने के लिए हम इसे भिगोते हैं और ये हॉट फूड कैटेगरी में आता है। उसके साथ ही इसके गुण को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, इसके बेनिफिट्स को इनक्रीज़ करने के लिए हम इसे सोक करते हैं। आप सोक करिएगा तो 24 घंटे भिगोने के बाद, उसके बाद इसको छान लीजिएगा। पानी आप स्टोर करके स्प्रे बॉटल में रख के आप अपने स्कैल्प पे यूज़ करिए, और जो मेथी दाना होता है उसको गीले कॉटन कपड़े में आप लपेट के हैंग कर दीजिए, वो अंकुरित हो जाता है 24 घंटे भिगोने के बाद। बहुत ज़्यादा बल्क में वाटर आप नहीं डालिएगा क्योंकि मेथी दाना में इन्फेक्शन, मतलब अगर ये रेनी सीजन चल रहा है आप उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल के रख देंगे तो वो थोड़ा सा फंगस लगने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और 24 घंटे जब हो जाए तो उसको आप बांध के पोटली बना के हैंग कर दीजिए। मेथी दाने के फ़ायदे क्या क्या हैं, मेथी दाना आप यूज़ क्यों करें अपने हेयर पर, और कैसे लोग कह देते हैं कि मेथी दाना बालों को अच्छा बनाता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो ये चीज़ का जो क्यों है, जो वाय है, इसका मैं आंसर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहले मेथी दाना एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, ये कॉमन सी प्रॉपर्टी है। इसमें फोलिक एसिड मिलता है, विटामिन ए मिलता है, विटामिन के मिलता है, और ये इसमें प्रोटीन वगैरह मिलता है, ठीक है, ये तो कॉमन सी प्रॉपर्टी है जो कि मैक्सिमम सीड्स में मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेथी दाना स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये स्टोर हाउस है मिनरल्स का, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक एक्सेट्रा। उसके साथ ही मेथी दाने में एक, मतलब मेथी दाने में बहुत हाई अमाउंट में प्रोटीन मिलता है। उसके साथ मेथी दाने में निकोटीनिक एसिड पाया जाता है जो कि बालों को झड़ने से रोकता है, स्कैल्प संबंधित सारी समस्याओं को दूर करता है, चाहे वो डैंड्रफ हो, चाहे हेयर फॉल हो, चाहे बाल्डनेस हो, चाहे बालों का पतलापन हो या पतला होना हो, वो निकोटेनिक एसिड या निकोटीनिक एसिड जो कि मेथी दाने में पाया जाता है वो इन सारी समस्याओं से छुटकारा देता है। उसके बाद ये हमारे बालों को हाइड्रेट कैसे करता है, बाल चमकते कैसे हैं, हेयर ग्रोथ को प्रमोट कैसे करता है, तो ये मेथी दाना जो होता है इसमें लार्ज अमाउंट नहीं, बहुत बड़ी अधिक मात्रा में लेसिथिन नाम का कंपाउंड होता है जो कि हेयर को हाइड्रेट करता है और स्ट्रेंथन करता है रूट को, और हेयर फॉलिकल को रीग्रोथ यानी फिर से उगने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारे जो बाल होते हैं वो बाउंसी होते हैं और उनमें लस्टर जो होता है, उनकी जो चमक होती है वो फिर से वापस आ जाती है। अब हेयर रीग्रोथ कैसे होता है, या ऐसा क्या है जो हेयर मेथी दाने में जो हेयर रीग्रोथ को प्रमोट करता है, तो आपको बता दें कि मेथी दाने में एंटीसीडेंट नाम का एक हार्मोन होता है जो कि हेयर फॉलिकल को रीग्रोथ यानी फिर से उगने में, या नए हेयर फॉलिकल आपके स्कैल्प से उगे, इस चीज़ के लिए ये एंटीसीडेंट नाम का जो हार्मोन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या करता है, रीबिल्ड करता है किसको, नए जो हेयर फॉलिकल होते हैं उनको। जब नए हेयर फॉलिकल आपके निकलेंगे सिर में और वो बढ़ें, उनको अच्छी खासे अमाउंट में प्रोटीन चाहिए होता है, तो वो जो प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन की ज़रूरत होती है ये आपका मेथी दाने का पैक या मेथी दाने का पाउडर जो होता है या पानी जो होता है वो फुलफिल करता है। इसलिए अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, तो आप मेथी दाने का प्रयोग करें। अगर आपके सिर में डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा है, तब आप मेथी दाने के पैक में नींबू निचोड़ लें, या आपको थोड़ा सा इन्फ्लामेशन है सिर में तो आप जिंजर यूज़ करें, अदरक उसके साथ यूज़ करें, या आपको ऐसा लगता है कि मेथी दाना यूज़ करने के बाद बाल बहुत ड्राई हो गए हैं, बहुत उलझ रहे हैं,
तो आप मेथी दाने का पाउडर यूज़ करिए, आप पानी यूज़ करिए, उसके साथ आप दही मिला के और उस दही में थोड़ा सा आप ऑयल मिला लीजिए जो आपके रीजन में हो, चाहे कोकोनट हो, जैतून ऑयल हो, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, आप उसे मिला के ब्लेंड कर लें और उसे अपने बालों में लगाएं। जिनके बहुत लंबे बाल हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो कभी भी इस पैक को अपने बालों में पूरा ग्रोथ पे या उस स्कैल्प पे अप्लाई ना करें, इसे छान के, छन्नी से छान के बालों पे अप्लाई करें, ताकि धुलने के बाद जो मेथी दाने के पार्टिकल्स फंसते हैं बालों में, जिसकी वजह से बाल टूटते हैं और लोग कहते हैं कि ये इफ़ेक्टिव नहीं है, वो प्रॉब्लम आपको झेलनी ना पड़े। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर करें, कोई कमी हो, कोई अच्छी बात हो तो कमेंट करके बताएं, एक लाइक बहुत मैटर करता है मेरे लिए। थैंक यू एवरीवन, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।